देखिए ईवीएम पर, देखिए इधर आपने देखा होगा हर गांव में टीवी या एलईडी वैन चल रही है। हमारे प्रधान दुखी हैं कि उनकी जेब से पैसा लिया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि परेशान है कि उनकी जानकारी में नहीं है। चुन गई पार्टी दूसरी, वोट मांगा जा रहा दूसरे का। दुनिया में अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं आप, तो विकसित देशों की आपको कुछ तो चीजें अपनानी पड़ेंगी। अगर विकसित देश अमेरिका है, विकसित देश जापान है, विकसित देश जर्मनी है, और विकसित देश अगर इंग्लैंड मानता है अपने आप को, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जगाइए। और जो विकसित देश कर रहे हैं, जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। सर 24 के चुनाव को लेकर आजमगढ़ में सपा किसको लेके आ रही है? दावेदार मायती जी को बना दिया जाए। तुम्हारा चैनल ही जाने किस दिशा में जा रहा है सर? सिग्नल किसी और सैटेलाइट से कनेक्ट। सर बीजेपी सांसद निरहुआ ने बयान दिया है कि आजमगढ़ 24 में अगर अखिलेश आएंगे तो चुनाव लड़ने मजा है, मुकाबला अच्छा होगा। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आज ही बयान दिया। देखिए मजा किसको आएगा, मजा तुम तो नहीं लेना चाहते हो? नहीं सर, बयान है मेरे पास। अच्छा बयान है तो कोई बात नहीं, बयान अपने पास रखिए, रिकॉर्ड के खूब चलाइए आप। देखिए जनता तय करेगी आप जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आते हैं क्या उस गुणवत्ता से बना। आप में से जितने पत्रकार साथी खड़े हो, मैं फिर कहता हूँ, और गूगल पे देख करके या वेबसाइट पे देख करके ऑफिशियल रिकॉर्ड निकालना। मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि जो गोरखपुर लिंक है वो 3000 करोड़ का बन रहा है। सच्चाई है कि वो 6000 करोड़ का है। तो सोचिए आप 90 किलोमीटर सड़क, 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ की बन रही है, और कब बन जानी चाहिए थी, आज तक नहीं बन पाई, ये सवाल ही नहीं आपके लिए। सर जिस गांव में आए हैं उस गांव की सड़कें बड़ी अच्छी थी। सरकार बनेगी तो और अच्छी होंगी। सर मंदिर उद्घाटन से निमंत्रण आया आपको? भगवान कैसे किसी का निमंत्रण नहीं आता, भगवान अपने आप बुलाते हैं सबको। आप जा रहे हैं? आप जाएंगे? भगवान आपको पता है कि भगवान ने बुलाया हमें, और जब तुम्हें बुलाएंगे भगवान हमें भी नहीं पता होगा। तो अगर भगवान का बुलावा आ जाए तुम्हारे लिए तो क्या हमें पता होगा? सर खड़गे जी जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। हम उसी परंपरा के लोग हैं, हम उसी परंपरा। सर एक बात बताएं, देखिए पीडीए के लोगों की कोई पूछ नहीं है। जो यहाँ की आपकी स्थिति थी वो एक संगठन, वो क्यों आज नहीं उसके बाद दिखाई दे रहा है? किसने बता दिया आपको? बिल्कुल सब देखने में नहीं मिलता सर। उससे अच्छा परिणाम आएगा इस बार, देखिए। वो परिणाम की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जनता के मुद्दों की बात कर रहा हूँ सर। जनता के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है, लड़ रही है, और आपको आगे आने वाले समय में परिणाम भी दिखाई देगा।